कोलकाता रेप के बाद अब पूरे देश में हलचल बड़ी हुई। जहां एक तरफ पूरे देश में इस केस के चलते विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस केस में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने कोलकाता रेप मर्डर केस पर लेकर 14 अगस्त को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया और कई सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। राहुल गांधी की पोस्ट के बाद अब राज्य की सीएम ममता बनर्जी नाराज नजर आ रही हैं। राहुल गांधी ने उठाए इन सवालों के चलते ममता ने कांग्रेस के दो बड़े नेताओं को खुद फोन करके कड़ी नाराजगी जताई है। ममता बनर्जी की नाराजगी के बाद कांग्रेस नेताओं की तरफ से सफाई दी गई। नेताओं ने कहा कि राहुल ने कोई सियासी हमला नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ कोलकाता मामले की बात नहीं की, लेकिन ममता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, वो लगातार नाराजगी जताती है। ये दोनों नेता जिनसे ममता बनर्जी नाराजगी जताई है, वो कांग्रेस और ममता के बीच पुल का काम करते हैं। दरअसल कोलकाता मामले में लगातार बीजेपी शुरुआत में राहुल की चुप्पी पर सवाल उठाती रही, इसके बाद आखिरकार राहुल ने भी ट्वीट कर दिया। वैसे तो राहुल ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जो पोस्ट किया, उसमें उन्होंने कोलकाता समेत देश के अलग अलग हिस्सों में हुए रेप केस का जिक्र किया, लेकिन राहुल गांधी के सवाल ममता को कतई रास नहीं आए। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस फिलहाल शांत हो गई है। बंगाल के चुनावी नतीजे और ममता विरोधी अधीर रंजन चौधरी की हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद से अधीर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके बाद से ही सहमति बनी कि फिलहाल सीधे ममता से सियासी लड़ाई लड़ने के बजाय राज्य में बीजेपी से लड़कर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका पर नजर रखी जाए। इससे मौजूदा सियासी हालात में सड़क से संसद तक इंडिया गठबंधन की सदस्य ममता को साथ रखा जाए। लेकिन राहुल के इस पोस्ट के बाद दोनों दलों के बीच ही नहीं बल्कि उनके आला नेताओं के बीच रार की नौबत आ गई है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की रात 3 बजे जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ और हत्या कर दी गई। डॉक्टर की उम्र सिर्फ 31 साल थी, जो कि पीजी की स्टूडेंट थी। जिस समय डॉक्टर आराम करने सेमिनार रूम में गई, उस समय लगभग 3 बजे के करीब ये अपराध उसके साथ हुआ। इसके बाद जैसे ही माता पिता को इसकी जानकारी हुई, वो दौड़े चले आए। फिलहाल ना सिर्फ जूनियर डॉक्टर का परिवार बल्कि पूरे देश में जूनियर डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग उठाई जा रही है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सवाल किए जा रहे हैं। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।